हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों मतीन मनियार जहां इंटरनेशनल, आपको पता होगा कि दो साल पहले उसने 100 करोड़ का फ्रॉड किया था, हाजियों का फ्रॉड किया था, हाजियों को सस्ती टिकट देने के बहाने प्री बुकिंग कराता था और तकरीबन 100 करोड़ रुपये जो है इसने जो है हाजियों के पैसे जो है गबन करके इसने जुआ खेला था, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, बिटकॉइन में खेलता था और जिसके बाद वो लंदन फरार हो गया था। जैसा आपको पता है कि हमने भी हमारे को भी उसने लंदन से कॉल किया था हमारे इंटरव्यू के बाद जहां इंटरनेशनल के, और वादा किया था कि मैं लोगों को पैसा दे दूंगा, मगर अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दो साल होना है, भिवंडी में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखी गई थी 5/5/2019 शांतिनगर पुलिस स्टेशन में भिवंडी में लिखी गई थी, जिनपे 8 आरोपी थे, जिसमें जहां इंटरनेशनल ट्रेवल्स, मतीन अजीज मनियार, समीर मनियार, अजीज मनियार, मुस्तकीम अंसारी, नीलम मनियार, शाहरुख मनियार, शाहबाज अजीज मनियार, यानी इसके सारे रिलेटिव्स हैं, उनका नाम था इस पे FIR में। अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, 2 साल तक पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया था, मगर अभी हाल फिलहाल में एक बंदे को पुलिस ने दबाव में जो है, मुस्तकीम अंसारी जो इसका कौन है, बहनोई, जो मतीन मनियार का बहनोई है, पुलिस ने, भिवंडी पुलिस ने बहुत दबाव में आके जो है DCP के पास जाने के बाद जो है DCP योगेश चौहान सर के पास जाने के बाद जो है उनको अरेस्ट किया। यानी मतीन मनियार के जो है भिवंडी केस में एक कदम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है। बात करते हैं सर, आपका नाम? मुबारक नसीर शेख जी। मुबारक भाई, क्या मसला है ये भिवंडी का? भिवंडी में 10 करोड़ 50 लाख की FIR हुई है। हाँ। 1.5 साल से उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की है। पौने दो साल से। हाँ। तो मैंने वहाँ पूछा उन लोगों को कि क्यों नहीं हुआ, तो बोले हम तपास कर रहे हैं, बस इतना ही बोले। दो साल से तपास ही कर रहे हैं पुलिस। हाँ, तो फिर हमने FIR RTI डाला, तो RTI में भी हमको यही रिपोर्ट मिला कि हमने तपास कर रहे, फिर हमने इसका ये डाला वापस DCP को RTI डाला, फिर DCP साहब ने हमको बुलाए, फिर उनसे हमने बात की, उनको सब मसला बताया, कि फिर उन्होंने बोले ठीक है हम उनको बुलाते, फिर उन्होंने आयोग को बात किए और आयोग से बोले कि ये अभी तक क्यों नहीं आरोपी मिले, तो मैं आयोग ने बोले कि हम तपास कर रहे, तो बोले अभी तक क्यों नहीं कर रहे, हमको 4 दिन में आरोपी जेल में मांगता है, ऐसा बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने बोले आपको मदद मांगता तो इन लोगों को ले जाओ साथ में, तो फिर उन्होंने हमको बोले आप इनके साथ जाओ, तो 15 दिन बाद जब हम उनके बात होने के बाद 15 दिन बाद आयोग ने हमको चौहान करके कांस्टेबल है उनको हमारे साथ भेजे, मैं, डॉक्टर हारून और मुख्तार भाई, हम लोग सब साथ में तीनों जन, और वो चौहान हवलदार। कहाँ से पकड़े उसको? यहाँ नासिक से पकड़े। अच्छा, यानी भिवंडी पुलिस नासिक जाके अरेस्ट करी? हम उनके साथ नासिक गए जी। फिर नासिक जाके हम आपको बता दें, नासिक में भी एक FIR दर्ज है जो 9/2/2019 को रजिस्टर्ड हुई थी, यानी 2 साल पहले हुई थी। हाँ। जिसमें 420 कलम, 406, 460, 34, 120 बी लगा हुआ था। तो अब्दुल मनियार नाम है और दो चार नाम इसमें लिखे हुए, उसमें भी 8-9 लोगों के नाम हैं, तो वहाँ की भी कार्रवाई का पता नहीं, वहाँ पर क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ। हाँ। नहीं हुआ अभी, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ नासिक में भी? नासिक में। तो अभी यहाँ से जो हमारे थे कांस्टेबल, वो साथ में जाके वहाँ का उनका एक PI, यहाँ से अपना PSI वहाँ पे थे, वो भी वो उनके साथ मिले नासिक में। नासिक में इनका ही था, भिवंडी के PSI, वो दोनों और हम लोग तीनों 5 लोग मिल के हम लोग वहाँ जाके उस मुस्तकीम के घर जाके। तो मुस्तकीम का नाम इसमें है कि नहीं? नासिक में पता नहीं, होगा शायद मुस्तकीम है इसका भी नाम नासिक में। हाँ। तो नासिक पुलिस को उसका ताबा लेना चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसको। हाँ। तो उस तरीके से वो लोगों ने जाके वहाँ, हमने वहाँ गए पुलिस स्टेशन से, वहाँ से पुलिस लिए दो वापस। हाँ। और फिर उनके घर गए मुस्तकीम के, मुस्तकीम को फिर अरेस्ट किए वहाँ से, फिर हम समीर मनियार के घर गए, तो समीर मनियार भी इसमें आरोपी है। हाँ, तो वो उसके घर गए, वो नहीं मिला हमको। हाँ। फिर हम वहाँ से देख के उनको बोल के आए उनके घर वाले को कि होगा तो पुलिस स्टेशन भेज दो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो आए नहीं वापस। और वहाँ से हम उनको लेके भिवंडी आए और वहाँ भिवंडी में जमा कर दिए। तो अच्छा, आपका क्या है, आप तो बॉम्बे में रहते हो? हाँ, तो मेरे भी उसमें पैसे है ना। नहीं, तो आपका बॉम्बे में पैसे है कि भिवंडी में? भिवंडी में, बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में ही है। आपकी वाइफ के पैसे? वाइफ के पैसे। हाँ। अच्छा, कितने हैं आपके? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। हाँ। काय के लिए दिए थे आपने? ये हज उमरा के टूर के। आपकी वाइफ ने पूरा दिए थे? हाँ। हज उमरा टूर। हाँ। के लिए। तो कभी दिए थे आपने? ये शायद 2.5 साल हो गए, 3 साल हो रहे समझो। अच्छा, यानी अगले साल देने के लिए, फायदा के लिए गए थे। बराबर। तो कुछ पैसे नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, जैसे हमने लास्ट टाइम
लंदन में मतीन से बात की थी, लंदन का फ़ोन आया था मतीन से, तो ये भाई जो है लंदन भी गए थे मतीन को ढूंढने। यार लंदन का बताइए आप क्या हुआ था। तो हम यहाँ से लंदन गए, तो जो उसका एड्रेस था उस घर पे हम गए, तो वो घर पूरा बंद था। कहाँ था वो लंदन का? फुलूड जगह करके, प्रिस्टन के आगे, प्रिस्टन के उसके ससुर जो है मस्जिद के चेयरमैन भी है। हाँ, तो हम वहाँ गए तो हमको कोई घर पे मिला नहीं। मैं रात भर वहाँ रुका, फिर वहाँ में वहाँ बाजू में एक इबिस होटल है उसमें रुका रात में एक रात। वहाँ से फिर मैंने सोहेल भाई को फोन किया कि उनका घर पे कोई नहीं है, दूसरा कोई रास्ता है क्या। सोहेल कौन? सोहेल शाज इंटरनेशनल। हाँ, शाज इंटरनेशनल के उनके 6 करोड़ है उनके पास। तो उन्होंने बोले आप प्रिस्टन में जाओ, वहाँ पे नूर मस्जिद है, नूर मस्जिद में जाओ, वहाँ के मौलाना को मिलो। ये तो एड्रेस मैंने आपको पहले ही दे दिया था, प्रिस्टन नूर मस्जिद का। हाँ, लेकिन हमको पता नहीं कि वो वहाँ है। तो उन्होंने वहाँ पे मैं गया, मौलाना से बात हुई, तो उन्होंने उनके ससुरे का अयूब पटेल करके नाम है उनका एड्रेस दिखाया। फिर उनके पास हम गए तो मौलाना ने सब अरेंज किया हमारा, वहाँ पे पहुँचाए उनके घर। तो वहाँ घर गए, उन्होंने फिर हमको वापस लाए मस्जिद में, बोले आपका सामान कहाँ है, बोले यहाँ। फिर ले गए और बोलते उनकी घर वाली बोलती आप कैसे आए। मैं बोला मैं मेरे पैसे से आया। तो बोले आप 2-3 लाख रुपए लाना था ना साथ में। मैं बोला मेरे पैसे लेने आया कि आपको देने आया मैं पैसा? काहे के लिए 2-3 लाख रुपए लाना था? वहाँ होटल में रहने के लिए। अच्छा। मैं वो बोले हमको होटल में रहो। मैं बोला होटल के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने सीधा बोल दिया उनको। तो मैं बोला मैं मस्जिद में रहूँगा चलो। तो वो बोले नहीं मस्जिद में नहीं रहने का, क्योंकि वो ट्रस्टी थे, उनकी इज्जत जाएगी, इसलिए वो ये नहीं किए। फिर मेरे को वहाँ से एक होटल है दूसरी, वहाँ पे ले गए, वहाँ 45 रुपये में उन्होंने होटल कराया वहाँ, और 45 पाउंड। तो वहाँ पे हमको होटल में रुकाए और बोले मैं कल इसको मतीन को ढूंढ के ला के देता हूँ, मैं अभी मेरे पास नहीं है वो। कौन बोला? अयूब भाई। अयूब भाई उनके ससुरे। ससुरे। तो ठीक है मैं बोला। फिर मैं वहाँ रुका, 3 दिन हो गए हमको वहाँ रुका। फिर वो लेके आए उधर, फिर मतीन को मिला मैं। तो मतीन ने बोला कि भाई पैसा तो नहीं है मेरे पास, ये घर बेच के मैं तुम लोगों को पैसा दूंगा। तो मैं बोला भाई 100 करोड़ का घर था, 4 करोड़ का घर था। अब वो इतना बोला था, बोला सब तो आप पूछे नहीं कि बाकी के पैसे क्या किया? अभी उनको पूछा तो बोले रे वो सब इसमें चले गए। किसमें? बिजनेस में, ऐसा बताया। कौन सा बिजनेस आप पूछे? ये नहीं मालूम, आपको पूछना चाहिए था ना कौन सा बिजनेस किया तूने। ये तो अपने को भी नहीं मालूम, उसने बताया नहीं कुछ, जुआ खेला उसने। हाँ, वो जो भी है अपने बिटकॉइन, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था। अच्छा। हाजियों के पैसे से ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था वो, शेयर बाजार नहीं होता है। हाँ। खरीदना ये बेचना। हाँ। बिटकॉइन ये सब खेलता था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बोले उसमें हमारे पास पैसा है नहीं। तो आपकी मतीन से मुलाकात ही नहीं हुई? मुलाकात हुई ना। हाँ। वो आए ना फिर बताए, फिर मेरे को शाम में पूछते है क्या क्या आपने, तो आपने मुझसे फोन क्यों नहीं करवाया वहाँ पर, वहाँ से आपको? हाँ हाँ, वो इतना नहीं था, भूल गए शायद, भूल गए शायद, ये तकलीफ होगी। आप सोचे आप अपना पैसा लेके निकल लोगे? नहीं, वैसा कैसा निकाल लेंगे, कोई बात होगी, ऐसा ही होता फिर है। फिर मैंने उनको बताया सब, बोला सबके पैसे, तो बोले हम देंगे। तो मैंने उनको ये भी बोला देखो अगर आप पैसा, तो बीच में लॉटरी लॉटरी की बात कर रहा था, वो क्या हुआ? लॉटरी की बात का मेरे को आइडिया नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है। जी जी। कुछ उसका आइडिया नहीं है। क्या लगता है आपको ये भिवंडी पुलिस, नासिक पुलिस इतना लेट क्यों कर रही है? ये तो पता नहीं, हम तो खुद गए करके जब ये काम शुरू हुआ है। दोस्तों देखिए 10 करोड़ की FIR लिखी जाती है, 2-2 साल तक अरेस्ट नहीं होता है उस बंदे पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है आरोप है उसका, उसने 100 करोड़ के ऊपर जो है घापला किया है, तो भी जो है पुलिस की कार्रवाई आप देख सकते हैं। नासिक और भिवंडी जो है 2 साल के बाद जो है एक बंदे को वो भी प्रेशर में जाने के बाद अरेस्ट करती हैं। तो हमारी गुजारिश है वहाँ के CP साहब से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हम भी उनसे बात करेंगे कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये करें, और हम चाहते हैं कि EW इस केस को ले। मुंबई में क्या हाल है? मुंबई में आपने कहीं कंप्लेंट की है आपकी? मुंबई में कंप्लेंट नहीं लिए, वो लोग बोले आप कहाँ पर गए थे आप कंप्लेंट? हम हमारे किदवाई नगर पुलिस स्टेशन में गए, तो वो बोले आप कहाँ पैसा दिए? नासिक में दे, तो बोले आप नासिक में जाके करो, यहाँ कंप्लेंट नहीं लेते। अच्छा, तो नासिक गए थे आप? नासिक नहीं गए, अभी वहाँ जाना है कंप्लेंट के लिए, वहाँ नहीं। दरअसल दोस्तों प्रॉब्लम ये है ना कि जो ये जहाँ इंटरनेशनल था उसका जाल ऐसा था कि उसने लोगों को है ना एजेंट बना दिया था, और वो लोगों को एजेंट बना दिया था, जो जिसने छोटे मोटे टूर ट्रेवल्स रहते हैं उनको एजेंट बना दिया था, और उनके थ्रू बुकिंग लेता था। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि पब्लिक ने एजेंट को पैसा दी थी, तो पब्लिक जो है जो हाजी लोग हैं वो एजेंट को पकड़ रहे कि भाई हमने तो तेरे को दिए थे। अब बेचारे एजेंट ने, कितने एजेंट से हमारी बात हुई, बेचारे लोग कर्ज लेके, ये लेके, घर बेच के, दुकान बेच के, थोड़ा थोड़ा करके हर 2-3 साल 1-2 साल में जो है 2-4 हाजियों को वो जो है भेज रहे हैं अपने पैसे से, अपना नुकसान। और ये जो है लंदन में अपने ससुरे और अपनी औरत के साथ जो है वहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। मतीन मनिया, तुझे मैं पहले ही कहा था कि देख अब जो तू है ना 2 साल तो तूने बैठ गया है, मगर ये कैसे ना कैसे घूम के देख, कैसे ना कैसे अब अल्लाह की मर्ज़ी से सब चीज़ हो रहा है कि अचानक 2 साल बाद जो है ये लोग जागे, ये लोग भी सो गए थे,
डॉक्टर हारून है, ये है, कंप्लेनेंट्स हो जाते हैं जिनके पैसे रहते हैं, ऐसे लोगों के तो पीछे पड़ के पैसे अलग से निकालना चाहिए। तो ये अल्लाह की तरफ से है कि अचानक दो साल में जो है, दो साल बाद जो है एक अरेस्ट हुई है, इसमें काम आगे बढ़ा है। हम चाहते हैं कि जो लोग पैसे जो है डॉक्टर हारून ने खा लिए, सॉरी जो लोग के पैसे जो ये मथिन मनिया ने खा लिए, वो इन सबको कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर हारून को कॉन्टैक्ट करें, इनको कॉन्टैक्ट करें, सब मिलजुल से कम उसके पीछे कार्रवाई की करें, नहीं तो दूसरे का मनोबल बढ़ेगा। अभी पायदुनी पुलिस स्टेशन में वो मैटर था, किसका था वो? अल साबरी का मैटर था, कोई आता नहीं था, कंप्लेनेंट इतना वो नहीं, कोई रहनुमा नहीं, बस वो छूट गए लोग, छूट जाते ऐसे लोग। तो जब तक ईओडब्ल्यू में जाएगा नहीं, तब तक जो है ये कार्रवाई जो है यहाँ पर जो है आगे बढ़ेगी नहीं और इनको सज़ा नहीं मिलेगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है इनको कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर हारून को कॉन्टैक्ट करें, भाई आपका नाम मुबारक शेख को कॉन्टैक्ट करें, जो लोग करें मिल के इसको कभी कैसे ना कैसे सज़ा दिलाने की बात करें। तो वो मज़े कर रहा है बैठ के लंदन में, अगर मथिन मनियार ये वीडियो देख रहा है या उसके ससरे जो है वीडियो देख रहे हैं, आपने उसको पनाह दी, उसके ससरे जो है क्या नाम था उनका? अयूब पटेल साहब, आप एक मस्जिद के जो है आप ट्रस्टी बन के बैठे हैं वहाँ पर प्रिस्टन में, मैंने मुझे सुना है कि आपको वहाँ से भी हटा दिया गया है, तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो ज़रूर हटा दिया गया। अल्लाह ने भी आपको उनके घर की निगरानी से दूर रख दिया है क्योंकि आपके जो है दामाद की वजह से। और मेरी मथिन मनियार की वाइफ से रिक्वेस्ट है कि वो उनके आदमी को समझाए और कैसे ना कैसे करके, जैसे लोग यहाँ पर कर्ज़ा बेच के हाजी को चढ़ा रहे, वो अपना घर बार बेच के, अपनी दुकान बेच के, अपना ये सब बेच के, कर्ज़ा लेके ये करके कुछ हाजियों को जो है पैसे रिटर्न करवा दें, क्योंकि कार्रवाई अब चालू हो गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।